प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में नगर निगम के साथ नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में सभी चेयरमैन और सभासद अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट हैं और आगामी चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भगवानपुर नगर पंचायत में बोर्ड की प्रथम बैठक के मुताबिक 5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में चेयरमैन का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। साथ ही भगवानपुर नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं। 15 वार्डों के सभासदों का भी कार्यकाल पूरा होने के बाद सभी सभासद अपने कार्यकाल को अच्छा बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिटी चैनल ने जब भगवानपुर नगर पंचायत के कई वार्डों में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहली बार भगवानपुर नगर पंचायत को चेयरमैन का दर्जा मिला। पहले चुनाव में इमरान मिल्की की माताजी चेयरमैन बनी और उनके साथ मिलकर हमने क्षेत्र में काम किया। आने वाले समय में भी जनता के बीच में हम एक बार फिर पहुंच रहे हैं और अपने कार्यों को लेकर संतुष्ट हैं। हमारी जो नगर पंचायत भगवानपुर है, ये नई नगर पंचायत बनी थी 2017 में। इसमें पहला चुनाव हुआ था, हम 15 सभासद जीत के आए थे। कमर जहाँ जी हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी। कुल मिला के 5 साल का कार्यकाल सभी सभासदों के साथ और नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनके साथ बहुत अच्छा रहा और काफ़ी विकास कार्य भी हुए हैं। और हमने भी जितनी ज़्यादा कोशिश करी है वार्ड के लोगों को और बस्ती के जो और लोग हैं उनके लिए भी योजनाएं दिलाने का काम किया है। क्या मानते हो साहब, 2 साल जो कोरोना में बीते वो टाइम और मिल जाता तो और अच्छा? हाँ, जो कोरोना काल लगा 2020 में, 2020 से नगर पंचायत में किसी भी सड़क निर्माण कार्य के लिए कोई बजट शासन से नहीं आया। अगर ये ना लगता तो लगता, हमें लगता है कि बहुत अच्छा विकास और होता हमारी नगर पंचायत में। कौन से वार्ड से सदस्य हैं? मैं वार्ड नंबर 12 मोहल्ला सादात कहलाता है हमारा, उसमें हमारा सादात है और आधा सैफियान है उसका सदस्य। आगे की देखिए, फिर जो हमारी वार्ड 12 की जो सीट है वो महिला बीसी हुई है, फिर वार्ड वासियों के बीच में जाएंगे, चुनाव के लिए तैयारी है। और सभी से उम्मीद ये करेंगे अपने वार्ड वासियों से कि भाई दोबारा हमें मौका दिया जाए। मैं 11 वार्ड से सभासद, मेरी जो है बीवी जो है वो 11 वार्ड से सभासद हैं और हमारा 5 साल का जो कार्यकाल है वो बहुत ही बढ़िया रहा। कैसा रहा पूरे क्षेत्र में लोगों का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत काम हुआ बस्ती के अंदर, मगर कुछ ये है कि 2 साल जो है कोरोना में निकल गए जिसके वजह से बस्ती के अंदर ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। अगर ये 2 साल ख़राब ना होते तो बस्ती के अंदर बहुत विकास होता और बहुत काम करा हमारे चेयरमैन जो थी कमर जान, उन्होंने बहुत काम किया भगवानपुर के अंदर। और उम्मीद है कि आगे भी अगर जो है जो काम रह गए हैं वो काम भी पूरा होगा जो बजट आया हुआ है। भगवानपुर नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि बब्बू ठेकेदार का ये कहना है कि सभी सभासदों के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया गया और सभी ने भरपूर योगदान दिया। हमें उम्मीद है कि एक बार फिर जनता हमें मौका देगी और हम क्षेत्र का विकास करेंगे। 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है चेयरमैन साहब का, प्रतिनिधि है, कैसा रहा पूरा 5 साल? 5 साल का कार्यकाल, जो कार्यकाल है हमारा, वो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर रहा। पब्लिक का भरपूर हमें सहयोग मिला और साथ साथ जो भी हमारे सभासद थे उन्होंने हमारा कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ दिया और बड़ी शांति से ये 5 साल कटे। और जो भी विकास का काम है आपके और पब्लिक के सभी के सामने है। अच्छा, 2 साल कोरोना में रहे तो उसके बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई आपको, तो कैसे आपने? भाई अब ये हुआ था ना कि शुरू के जो है वो 8 महीने तो वैसे ही कुछ नहीं हो पाया, 4 महीने मिले, उसके बाद फिर कोरोना काल शुरू हो गया तो 2 साल हमारे कोरोना काल में बीत गए। इसके बाद में फिर से अपने नए सिरे से भाग दौड़ करी और जो भी है मैं समझता हूँ कि 1.5-2 साल का ये हमारा वर्क रहा, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में कुछ कर ही नहीं पाए हम क्या कुछ, कोई और भी नहीं कुछ कर पाया। लेकिन उसके बावजूद जितना बिजली पानी और सफाई का हमसे बंदोबस्त हो सका और खूब अच्छी तरह से हमने किया और पब्लिक इस चीज़ को अच्छी तरह जानती है। अब आगे की क्या रणनीति है आपकी सब लोगों? आगे की अभी हमें तो बहुत अल्लाह की रहमत है, लाख लाख करम है उसका कि आज भी हमें बेपनाह पब्लिक का प्यार मिल गया और इंशाल्लाह जो काम रह गए हैं, जो अधूरे रह गए हैं, वो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जीतेंगे और वो आने वाले टाइम में गरीब और मजदूर और पब्लिक का प्रयोग जो सहयोग रहेगा तो हम पूरी तरह से बचे काम जो है वो आगे आने वाले वाले कार्यकाल में इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि हम पूरे करेंगे।
अधिशासी अधिकारी मुरारीलाल शर्मा ने कहा कि बोर्ड की प्रथम बैठक के मुताबिक 5 साल पूरे हो चुके हैं और कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। शासन के आदेश पर काम किया जाएगा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में क्षेत्र में काम भी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था की गई है। शर्मा जी, कार्यकाल कब से था, कब तक है और क्या कार्य किए जा रहे हैं? भगवानपुर नगर पंचायत में जो चेयरमैन मैडम है उनका कार्यकाल प्रथम जो बोर्ड की मीटिंग होती है उससे माना जाता है। इनकी प्रथम बोर्ड की मीटिंग 6 जनवरी को हुई थी, उसके हिसाब से आज 5 जनवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब क्या कार्य किए जा रहे हैं सर्वा? अब कार्य जो भी नगर पंचायत के संचालित हो रहे हैं वो कार्य किए जाएंगे, बाद बाकी जो भी शासन के निर्देश होंगे उनके आधार पर हम सब की योज लोग कार्य करेंगे। बढ़ती ठंड के मद्देनजर अलाव की व्यवस्था की जा रही है? हाँ, अलाव की व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर जो भी मेन चौराहे हैं उन पर सब पर लकड़ी पड़ रही है और अलाव की व्यवस्था की जा रही है।